नमस्कार, स्वागत है आपका टी न्यूज में। मैं हूं आपके साथ सेजल। इस वक्त की बड़ी खबर, उधम सिंह नगर जनपद के सीमांत क्षेत्र खटीमा में पुलिस द्वारा नशे के कारोबारियों के खिलाफ लगातार अभियान जारी है। हम आपको बताते चले कि उधम सिंह नगर जनपद में पुलिस प्रशासन द्वारा नशे के कारोबारियों और अवैध व कच्ची शराब माफियाओं के खिलाफ अभियान चलाकर कार्रवाई की जा रही है, फिर भी कारोबारी अपने धंधे से बाज नहीं आ रहे हैं। गौरतलब है कि नेपाल से सटे सीमांत क्षेत्र खटीमा में नदी, नालों, झाड़ी व जंगलों का फायदा उठाकर शराब कारोबारी व नशा व्यवसायी फल फूल रहे हैं, जिससे पूरा जनपद आज नशे की गिरफ्त में है। वहीं नशे के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत झनकैया थाना पुलिस ने सुरई रेंज खटीमा के जंगलों में भारी मात्रा में शराब बनाते हुए पकड़ा और भट्टी तोड़कर लाहन को नष्ट कर दिया। बरामद सामान को कब्जे में भी ले लिया, साथ ही एक शराब कारोबारी को भी पकड़कर न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया गया है। वहीं उधम सिंह नगर जनपद के SSP दिलीप सिंह कुंवर ने बताया कि कच्ची व अवैध शराब के खिलाफ पुलिस द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही है। सूचना मिलने पर भट्टियों को तोड़कर लाहन नष्ट किया जा रहा है तथा प्रतिदिन लगभग 150 से 200 लीटर अवैध शराब बरामद किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि इस संबंध में लगातार कार्रवाई चलती रहेगी। संज्ञान में बात नहीं है, लेकिन उसका संज्ञान लूंगा। और कच्ची शराब के संबंध में आपको बता दूं, पुलिस लगातार जो भट्टियां हैं उनको तोड़ने का काम कर रही है। अवैध शराब डेली बरामद हम लोग कर रहे हैं, डेली कम से कम जो है मेरे ख्याल से 150 से 200 लीटर बरामद किया जा रहा है। जो लहन है उसको नष्ट किया जा रहा है और ये प्रक्रिया चलती रहेगी।